हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सॉरी बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों जो कि क्लास नाइन्थ और चैप्टर वन हो गया, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हम लोग स्ट्रिक्टली बच्चों एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और जो उसमें हम लोग उसका जो नोट्स है वो बनाते चलेंगे। और आपको कैसे पढ़ना है, आपको साथ में लेक्चर देखते जाना है और एक साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और साथ में नोट्स भी बनाते जाना है, जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट्स भी कम्प्लीट होते जाएगा। तो ये हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और इसी तरह से मैं भी आपको आगे का लेक्चर भी प्रोवाइड करते रहूँगा। और जो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन वेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, इसी से आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बच्चों। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, जल्दी से समय बर्बाद आप लोग का नहीं करते हैं और मैं अपना भी नहीं करता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि न्यू चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट लिखेंगे मैटर के बारे में जानेंगे, जो कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में लिखेंगे बच्चों, मैटर क्या होता है, जिसमें हम लोग लिखेंगे जो कि मैटर क्या बोलते हैं, anything that occupy a space having, जिसमें जो कि मास यानी कुछ उसमें वजन हो, and कुछ वो प्रेशर एग्जर्ट करे, एग्जर्ट यानी हो गया बच्चों जो कि वो फील करे, एग्जर्ट प्रेशर, तो उसको हम लोग जो कि मैटर बोलते हैं, इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर किसको बोलते हैं, जो कि एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु हो, एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु या सामान जो क्या ऑक्यूपाई करे, जो कि उसमें स्पेस यानी वो जगह, जैसे ये वस्तु हो गया तो यहाँ पे मैं जो कि यहाँ पे रखा बच्चों, तो ये जो कि इतना दूर का जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई किया, और इसमें जो कि मास है थोड़ा यहाँ रखा, तो ये इसमें जो देख रहे हैं इसका जो लेंथ विड्थ है वो इसमें जो मास है, और ये कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जैसे हमने यहाँ रखा बच्चों, यहाँ का जो आप लोग का मॉलिक्यूलर लेवल पर बच्चों, यहाँ का जो नीचे का जो मॉलिक्यूल होगा उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, और जो आप लोग को दिखेगा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगे तब यहाँ पर दिखेगा, तो नेचुरली या जो ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रखा, इसमें जो स्पेस है ये स्पेस जो कि ऑक्यूपाई किया, और इसमें जो मास है, और यहाँ पे जब मैंने इसको रखा बच्चों तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और जो कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे छोटा छोटा जैसे एकदम इससे भी छोटा टीनी पार्टिकल का जो एक जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो ये अंदर जाएगा और इस पर जो प्रेशर पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिखे एग्जर्ट, जो कि प्रेशर एग्जर्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, जो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हमने थोड़ा बताया बच्चों आप लोग को। तो ये अब जो मैटर का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो प्रॉपर्टीज यानी गुण बोलते हैं, जो कि मैटर का जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि मैटर जो कि किससे बना हुआ है, मेडअप ऑफ टीनी यानी हो गया छोटी छोटी एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है बच्चों, आप लोग को घबराना नहीं है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो अपने आप क्लियर होते जाएगा, इसलिए आप लोग को अभी
चिंता नहीं करना है कि कौन से कुछ जो टर्म है वो अभी समझ में नहीं आएगी, वो आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको सभी टर्म है जो वो क्लियर होते जाएगी। तो यहाँ पे लिखी हुई है मैटर, जो कि मैटर के बारे में लिख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर आर मेड अप ऑफ, जो कि मैटर है जो टिनी पार्टिकल से बना हुआ है, और सेकेंड हो गया जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली CONTINUO कंटिन्यूअसली मूव, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बच्चों वो लगातार मूव करते रहते हैं। यहाँ पे भी जो जैसे हवा में है, यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे मान सकते हैं बच्चों, यहाँ जैसे ये एयर हो गया, सपोज डैट ये एयर हो गया, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे जो मूव करते रहते, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली है मूव करते रहते, जो ये यहाँ गया ये इस तरह से मूव होते रहता है, जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूसली, जो मैटर्स का पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूव करते रहता है लगातार। और जो थर्ड हो गया, थर्ड पॉइंट, इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन, ये मैं आगे सब बच्चों ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म ये मैं उपयोग प्रयोग करूँगा, तो यहाँ लिखा है देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कि देयर इज अ स्पेस होता है बिटवीन किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, जैसे मैंने अभी देखा था ये सपोज एयर है और यहाँ पे पार्टिकल्स हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस बीच में जो पार्टिकल जैसे ये हो गया तो इस बीच में थोड़ा ना थोड़ा स्पेस होगा, तो ये लिखा हुआ देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कि ये जो ये पूरा सपोज ये मैटर किसको बोलते हैं, जो स्पेस पूरा ये हमने लिखा था, तो ये हमारा मैटर हो गया और इसके अंदर जो होता है ये हमारा पार्टिकल्स हो गया, तो जो जो दो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है वो लिखा हुआ देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, ये हमने थर्ड पॉइंट लिखा बच्चों। और आगे हम लोग लिखते हैं जो कि क्वेश्चन, तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और तो हमने यहाँ देख रहा था बच्चों जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग एक क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन टाइप में हम लोग हाउ कैन यू से डैट, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल पर ले रहे हैं डैट मैटर आर, यह क्वेश्चन भी पूछा भी गया है बच्चों एग्जाम में, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अगर बच्चों आप लोग ये अच्छे से अगर अभी से ही नोट्स बनाते जाए पढ़ते जाए तो आप लोग को जो NCERT वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर यही अच्छे से पढ़ कर चले जाइए तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम है उसमें जो कि 90% से अब यानी 90 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें हम लोग, तो बच्चों मैंने बोल रहा था कि जहाँ आप लोग अच्छे से अगर पढ़कर चले जाएं तो आपका जो है 90 मार्क्स से अब आ जाएगा। तो हाउ कैन यू से डैट मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जो कि छोटे छोटे हम लोग कैसे बोल सकते हैं या आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो टिनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे और एक जो डायग्राम से भी आगे समझेंगे। तो हम लोग इसमें लिखते हैं जैसे एक टेक, हम लोग को टेक अ ग्लास ऑफ, एक ग्लास में पानी लेना है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क कर लेना है कि यहाँ तक हमने पानी ग्लास में रख लिया, मार्क दी जो वाटर का लेवल है उसको, और उसके बाद हम लोग को जो कि नाव, उसके बाद क्या करना है नाउ, उसके बाद हम लोग को ऐड करना है सोम, जो पानी में हम लोग को ऐड सोम शुगर ऐड करना है पानी में, इनटू वाटर के अंदर, इनटू द वाटर और इन विच In which we see that, हम लोग उसमें देखेंगे जो कि water level rises यानी बढ़ जाता है जब हम लोग sugar मिलाते हैं पानी में, तो
इसके आगे इसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। नाउ स्टील और हम लोग को स्ट्रिंग या उसको हिलाते रहना, जो एक स्ट्रिंग से या जो चम्मच हो गया उसे या स्पून बोल दे या स्टील, तो दी सॉल्यूशन देन वी सी डैट, तब हम लोग देखेंगे जो कि वाटर लेवल थोड़ा बढ़ गया हुआ है। आप लोग कभी घर में शरबत पिए होंगे तो कभी आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, लेकिन अब आप लोग को ऑब्जर्व करना है बच्चों। सी डैट वाटर, जो हमारा वाटर लेवल है वो हल्का सा बढ़ जाता है इन प्रीवियस पोजीशन, जो पिछले पोजीशन होता है उससे थोड़ा उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है पोजीशन। और आगे हम लोग इसमें लिखेंगे जो कि इट इंडिकेट, जो वो बढ़ गया उसका जो लेवल वाटर का वो क्या इंडिकेट करता है, डैट हम लोग तब बोल सकते हैं जो कि मॉली डैट मॉलिक्यूल्स डैट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर अरेंज्ड शुगर अरेंज्ड ये दिख नहीं रहा आप लोग को, यहाँ लिख दे रहा हूँ अरेंज्ड इन द स्पेसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हमने देखा जो अरेंज जो होता है ये क्या, ये क्या कि जो मैटर है ये तीनों जो है बच्चों, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा, ये हमारा जो एग्जांपल ये तीनों को फुलफिल कर दिया। देखिए मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल छोटे से बने हुए, और जो स्पेस होता है वो भी ये डिस्कस कर दिया, और जो कंटिन्यूस जो लगातार मूव करता रहता है। यहाँ लिखे हैं टेक अ, जैसे हम लोग एक ग्लास वाटर जो एक ग्लास है उसमें हम लोग पानी लेंगे एक ग्लास में, और उसको जैसे यहाँ पे बच्चों ये ग्लास हो गया, आगे हमने देखेंगे लिखेंगे नोट्स में, ये मैं एग्जांपल तो पे समझा रहा हूँ। जैसे ये वाटर लेना है और इसमें मार्क कर लेना है कि यहाँ तक वाटर हो गया, और उसके बाद हम लोग को जो कि ऐड सम उसमें शुगर यानी मिला देना है, इसमें कुछ शुगर मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको जो स्टील करेंगे तो जब ये शुगर पूरी तरह से घुल जाएगा बच्चों पानी में, तो हम लोग देखेंगे एकदम हल्का सा जो कि हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या शो कर रहा है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जो स्पेसेस जो नीचे जो पानी के अंदर जो टीनी पार्टिकल्स का जो स्पेस था वो फुलफिल कर लिया। तो ये तो आगे हम लोग अब जो कि डायग्राम की मदद से हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग डायग्राम के मदद से बच्चों इसी में जो कि एग्जांपल हमने देख रहे थे उसी में हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग डायग्राम के मदद से बच्चों आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी बच्चों जो कि मैटर देखा उसका जो प्रॉपर्टीज है, और एक एग्जांपल देख रहे थे जो जो तीन मैटर का जो प्रॉपर्टीज बताया था वो फुलफिल करने के लिए हमने एक एग्जांपल देखा, और जो एग्जांपल का जो आगे अब हम लोग जो डायग्राम की वजह से जो अभी हमने लिखा बच्चों थ्योरी उसका जो डायग्राम है उसके जो डायग्रामेटिकली कंडीशन से भी वो देख लेते हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आगे हम लोग जो डायग्राम बनाते, जैसे हमने बच्चों एक ग्लास लिया, ये ग्लास ये हमारा ग्लास हो गया, और इसमें हम वाटर यहाँ तक भर लिया बच्चों, इसमें फुलफिल किया हमने जो थ्योरी लिखा था वो यहाँ तक वाटर फुल किया, और इसके बाद यही ग्लास है बच्चों यहाँ पर हमने वाटर मिला लिया, और यहाँ पे आगे हम लोग अब इसमें जो शुगर मिलाएंगे, और ये हो गया हमारा एक स्टील या चम्मच बोल दे या स्टील हो गया, ये मिलाने वाला हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे, और ये हमारा पानी हो गया ये वाटर लेवल, और इसमें हम लोग शुगर मिलाएंगे जो कि शुगर डालेंगे, तो यहाँ पे नीचे आकर बैठ जाएगा शुगर, और इसको जब मिलाएंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा आगे यहाँ पे जो कि ये क्या हो गया राइज्ड अप, हमारा जो वाटर का लेवल है वो हल्का बढ़ गया,
और यहाँ पे देखेंगे जो कि नेक्स्ट ग्लास लेंगे बच्चों, तो ये हमने नेक्स्ट ग्लास लिया। तो यहाँ तक हमारा जो पिछले वाला वाटर था, और यहाँ जब जो शुगर पूरी तरह से घुल गया, तो यहाँ देखेंगे हल्का जो यहाँ का है बच्चों, यहाँ हमारा जो लेवल है, लेवल वाटर लेवल राइज अप बढ़ चुका है यहाँ पे, राइज्ड लेवल जो हमारा है लेवल वाटर का वो बढ़ गया है। तो वही हमने जो थ्योरी लिखा था यही है, जो कैसे जो हमने पीछे थ्योरी लिखा वही है। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन टाइप में एक और लिखते हैं, हाउ यू कैन से दैट, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो हाउ कैन यू, हम लोग कैसे बोल सकते हैं जो हमारा पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आंसर में, व्हेन वी कुक, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका जो खाना बनाते समय उसका जो टेस्टी बच्चों स्मेल आता है, कैन वी फेल्ट फार, जब हम लोग दूर भी रहते हैं तब भी, इसी पर मैं एक एग्जांपल तौर पे बता दूंगा, कुकिंग प्लेस इट इज, ये किसकी वजह से होता है, जो हमारा पार्टिकल्स है सॉरी बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ कुक्ड, जो हमारा फूड बना हुआ है उसका जो सुगंध है वो जाता है, फूड गेट्स गेट्स डिफ्यूज्ड इन एयर। तो ये हमने क्या लिखा, व्हेन वी, जब हम लोग खाना बनाते तो जो स्मेल होता है जो टेस्टी फूड का, वो जो कि हम लोग जब दूर भी रहते तब भी वो सुगंध देने लगता है, कुकिंग इट इज़ बिकॉज, किसकी वजह से होता है, जो कि हमारा पार्टिकल्स है, जो एयर में जो पार्टिकल्स होता है वो डिफ्यूज होता है, और एयर में हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एयर में जो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन है वो सबसे हाई होता है, हाई रेट में होता है। आगे हम लोग आगे जाते चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो डिफ्यूज्ड इन एयर, जो आगे जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होता है। जैसे आप लोग कभी हॉस्टल में रहे होंगे, तो जब आप लोग क्लासरूम में होंगे तो आपका जो खाना जो तैयार हो रहा होगा, तो आप लोग उसी से जो अंदाज़ा लगा लेते हैं बच्चों कि हमारा जो हॉस्टल का जो मेस का जो खाना है वो तैयार हो चुका है जैसे, और वो सुगंध आने लगा, तो आप लोग समझ जाते कि हमारा जो किचन रूम है जो मेस का खाना है वो तैयार हो चुका है। तो हम लोग अब चलते हैं, तो वही लिखा हुआ है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका जो सुगंध होता है बच्चों, जब हम दूर भी रहते हैं तभी उसका जो सुगंध है हम लोग के नज़दीक में पहुंच जाता है, वो किसके कारण, यही जो मैटर है जो लगातार चलते रहता है, तो यही जो शो करता है कि हमारा मैटर है वो कंटिन्यूसली यानी 24 आवर जो चलता रहता है। और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि हाउ यू कैन से डैट, हम लोग कैसे बोल सकते हैं से डैट, जो कि देयर इज अ स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स के, हम कैसे बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में, जो मैटर्स का पार्टिकल्स उसके बीच में स्पेस है। तो इसी पर हम लोग एक एग्जांपल तौर पे आंसर में लिखेंगे और समझेंगे, जैसे एज लाइक फर्स्ट जस्टिफाई और टेक, जैसे हम लोग इससे पहले ग्लास में वाटर लिया था, वाटर एंड मार्क किया था वाटर को, जो कि कितना लेवल है पानी का वहाँ तक जो मार्क दी लेवल, और उसके बाद हम लोग नाउ वी ऐड, हम लोग जो शुगर है वो ऐड किया था बच्चों, नाउ वी ऐड सम शुगर,
फ्रॉम शुगर टू द वाटर में, जो सेम है बच्चों हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन लिया था वही सेम वही है। और वाटर वाटर इन विच वी सी डैट, हम लोग देखे थे बच्चों जो कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ चुका था, वाटर लेवल राइजेज अप। और उसके बाद हम लोग जो चम्मच या स्टील जो बोलते हैं, जैसे हम लोग जो फ्रूटी का जो जो पाइप होता है वो स्टील हो गया, वो हम लोग उससे पीते, तो उसी तरह का जो स्टील होता है वो जो सॉल्यूशन को मिलाने के लिए काम होता है बच्चों, ये लैब में मिल जाएगा हम लोग को। तो देन वी सी, देन वी, देन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देन वी सी डैट, हम लोग देखेंगे जो कि वाटर है, वाटर लेवल कॉम्स इन जो प्रीवियस पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर चला आगे पहुंच गया होगा या उससे ज़्यादा थोड़ा चला गया होगा, यही इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट्स डैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, के बीच में जो स्पेस है वे ये शो करता है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। और जो हमने यहाँ जो ये डायग्राम देखा बच्चों, ये सेम डायग्राम यहाँ आ जाएगा, जो इसमें भी वो सेम डायग्राम हमने देखा था वो यहाँ तक मार्क कर लिया। इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों इसीलिए। और यहाँ ये हमारा स्टील पाइप या चम्मच हो गया जो कि ये इस तरह से मिला रहा है। और जो यहाँ आगे देखेंगे तो ये हमारा जो राइज है, लेवल राइज, राइज लेवल हो गया था। और इसके बाद आगे पोजीशन देखेंगे जो कि इस तरह से एक ग्लास है, यहाँ पे भी ये हो गया, तो यहाँ पे जो लेवल है वो राइज हो चुका है, ये न्यू। तो ये हमने देखा कि जो हमारे जो पार्टिकल्स उसके बीच में जो स्पेस होता है वो, तो यही एग्जांपल से हम लोग ये भी देख सकते हैं। और आगे हम लोग जो कि वॉल्यूम मास ये सब का डिफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, या अगले लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम मास और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, और आप लोग को मैंने बताया था कैसे पढ़ना है, नोटबुक को साथ में रखना है, और जो एनसीईआरटी है वो भी अगर अभी से पढ़े तो अच्छा रहेगा, तो एनसीईआरटी साथ में रखिए और नोटबुक उसके साथ में जो नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। और तो अगले लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम से बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।